हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर दिस 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 एंड दिस, देन द रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस सो दैट दिस कैन बी डिफाइंड। कैसे करेंगे देखिए, हम इसको एमसीक्यूज का सोच के नहीं, हम इसको सिंपली करते हैं इनकेस अगर हमें एमसीक्यूज नहीं गिवन है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एक्स की मैट्रिक्स क्या दे रखी है, ठीक है, गिवन दैट क्या गिवन है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एक्स इज 2/n, ऑर्डर ऑफ वाई इज 3/k, ऑर्डर ऑफ जेड इज क्या है 2/p। आपको ये लिखने होते हैं, अगर आपको MCQs ना की फॉर्म में ये क्वेश्चन नॉर्मली आ जाता तो आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ और आपने क्वेश्चंस को इन तरीके से ही अटेम्प्ट करना है। समझ आया स्टूडेंट्स, हमें क्या दे रखा है, अब हम क्या लिखेंगे, नाउ PY प्लस WY हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है, ठीक है, टू परफॉर्म हमें यही करना है ना परफॉर्म। तो अब हम क्या कहेंगे, टू मल्टीप्लाई PY हमें क्या चाहिए हमें, ठीक है, अगर हमें PY को मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब क्या है, कॉलम ऑफ पी शुड बी इक्वल टू रो ऑफ y, ठीक है। अब देखिए हम इसको कैसे शो करेंगे, p का हमारा क्या है, p क्रॉस k, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, y का क्या है हमारा, y का क्या है 3/k, ठीक है, यही है ना, कॉलम ऑफ पी इक्वल टू दिस, रो ऑफ वाई इक्वल टू दिस। तो अब देखिए कॉलम ऑफ पी कितना है, के शुड बी इक्वल टू 3, यानी ये हमारा इसके इक्वल होगा तभी मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होगा। तो टू मल्टीप्लाई पी वाई, कॉलम ऑफ पी शुड बी इक्वल टू रो ऑफ वाई, तो यहाँ से हमें क्या मिला, के इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, टू मल्टीप्लाई डब्ल्यू वाई क्या होना चाहिए, कॉलम ऑफ डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू रो ऑफ वाई। कॉलम ऑफ डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू मैट्रिक्स है, डब्ल्यू मैट्रिक्स की क्या है ऑर्डर देखिए, n/3, इट शुड बी इक्वल टू रो ऑफ वाई, वाई क्या है 3/k। समझ आया स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जो हमारा डब्ल्यू वाई है वो क्या बन के आता है, n into k बन के आएगा डब्ल्यू वाई, और पी वाई क्या बन के आएगा, पी क्रॉस k। समझ आया स्टूडेंट कि ये क्या बन के आएगा, पी क्रॉस k, और ये क्या बन के आएगा, n क्रॉस। तो ये पी वाई आ गया और ये हमारा डब्ल्यू वाई आ गया। समझ आया स्टूडेंट्स, नाउ टू परफॉर्म अब हमने क्या करना है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, इसमें क्या होगा, ऑर्डर ऑफ पी वाई शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई, ये कह रहे हैं ना वो, ठीक है। तो पी वाई का हमारा ऑर्डर क्या है, देखिए पी वाई क्या है हमारा, पी वाई के, दैट शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू वाई एन बाई की। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, P शुड बी इक्वल टू, ठीक है, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर। सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी गेट, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट हमें क्या मिला कि K हमारा 3 होना चाहिए, ठीक है, एंड P शुड बी इक्वल टू n। तो K इक्वल टू 3 एंड P इक्वल टू n, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक अच्छे से समझ आया होगा। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है।